हाँ डियर, आज बात करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ रोटेशन के ऊपर। पुराने क्लास में हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ रोटेशन का डेरिवेशन देखा था, अभी समझेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ रोटेशन इन्हें कैसे डेराइव करते हैं। पढ़ाने का वैसे दिल नहीं करता, अब जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उन सभी से तकलीफ है, एक शेयर एक लाइक देना आप लोगों के लिए लगता है जैसे अपराध है। हमारी मेहनत अब तक आपको 278 लेक्चर्स पूरा करवाए हैं और मैं इस उम्मीद में जीता हूं कि आप लोग आज सपोर्ट करेंगे, कल सपोर्ट करेंगे, यह सोचकर मैं आप लोगों का एक सेकंड भी बर्बाद करने की कोशिश नहीं करता, पर फिर भी आप लोगों से इतना ही मिलती है बगैर लाइक बगैर शेयर बगैर सब्सक्राइब के निकल जाते हैं, बहुत तकलीफ की बात है। ये दुनिया की जो तरफदारी है मैं उसको सलाम करता हूं और जितने भी लेक्चर्स हैं सबको प्राइवेट करवा लेता हूं। अगर आप लोगों को सब्सक्रिप्शन दिए लेक्चर नहीं सुनने वाली है, उसके बाद देखते रहिएगा डेरिवेशन और कॉन्सेप्ट सीखते रहिएगा। आइए फिलहाल स्टार्ट करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ रोटेशन को, कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। अल्फा इक्वल्स टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी अल्फा के नाम से जाना जाता है। अल्फा इक्वल्स डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा। ऐसा करते हैं राइट हैंड साइड में डी थीटा से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, डी ओमेगा अपॉन डी टी इंटू डी थीटा अपॉन डी थीटा। डी थीटा अपॉन डी टी करें डी ओमेगा अपॉन डी थीटा और लेफ्ट हैंड साइड का अल्फा अपनी जगह से डी थीटा बाई डी टी यह रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, इसे ओमेगा के नाम से जानते हैं। डी थीटा बाई डी टी को ओमेगा कहते हैं, तो अल्फा इक्वल्स क्या हो जाएगा, देन अल्फा इक्वल्स यहां का ओमेगा और डी ओमेगा अपॉन डी थीटा। डी थीटा को भेज देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, क्या हो जाएगा अल्फा डी थीटा इक्वल्स ओमेगा डी ओमेगा।
इसे इंटीग्रेट कर लेते हैं। अल्फा डी थीटा इक्वल्स ओमेगा डी ओमेगा ऑन इंटीग्रेटिंग। Both sides. Integration alpha d theta equals integration omega d omega limit रख लेते हैं। time जब जीरो होगी at t बराबर जीरो, तो t बराबर जीरो होगा तो angular displacement जीरो होगा और angular velocity या initial angular velocity बन जाएगी omega naught। जब टाइम टी होती है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा हो जाएगा और एंगुलर वेलोसिटी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो जाएगी। अब आप लिमिट रख लीजिए थीटा के लिए जीरो टू थीटा और ओमेगा के लिए ओमेगा नॉट ओमेगा। इंटीग्रेशन अल्फा डी थीटा और जीरो टू थीटा बराबर इंटीग्रेशन ओमेगा डी ओमेगा और ओमेगा नॉट टू ओमेगा। ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है। थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। अल्फा कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाए डी थीटा जीरो टू थीटा इनकी इंटीग्रेशन की लिमिट हो जाएगी। राइट हैंड साइड में ये ओमेगा, ओमेगा को हम इंटीग्रेट करेंगे आप तो क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर बाई टू और इनका लिमिट लग जाएगा ओमेगा नॉट टू ओमेगा। इधर डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा हो जाएगा डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा कर दी लिमिट जीरो टू थीटा इक्वल्स ये हाफ ओमेगा स्क्वायर और इनका लिमिट ओमेगा नॉट टू ओमेगा। अल्फा से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये आइटम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो अल्फा थीटा सीधा सीधा आ जाएगा। लोअर लिमिट जीरो है माइनस की जगह कोई चेंज नहीं आएगी
उसके बाद 1 अपॉन 2 ये ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर, और इससे आप लिख लीजिए सेल ले आके 2 अल्फा थीटा इक्वल्स ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर।